आम आदमी पार्टी मुंबरा कलवा विधानसभा के सेक्रेटरी हैं, तो आप लॉकडाउन को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या मजबूरी पड़ती है गवर्नमेंट की जो लॉकडाउन लगाने की जरूरत है इस वक्त, जबकि अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है और जगह चुनाव वहां पर कोरोना नहीं है, सिर्फ मुंबरा में जबकि सबसे कम है, तो यहां पे लॉकडाउन की क्या जरूरत पड़ गई? लॉकडाउन तो खैर पूरे महाराष्ट्र में इन लोगों ने अचानक में शेड्यूल कर दिया है। तो पहले इन लोगों ने नाइट कर्फ्यू की बात किए थे जो 8 से लेके सुबह 7 बजे तक रहेगा, और फिर बाद में इन लोगों ने इंटीमेशन दिया था कि फ्राइडे इवनिंग से लेके मंडे मॉर्निंग तक के एक प्रिकॉशनरी वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। बट अचानक से मंडे मॉर्निंग के वक्त सारे लोगों को बोला गया कि भाई आपकी दुकानें बंद करो, तो सब बेचारे दुकानदार बड़े परेशान जो नॉन एसेंशियल वाले है कि भाई अचानक में हमारे ऊपर क्यों, कहाँ लिखा हुआ है ये? तो वो लोगों ने जीआर में सर्कुलर में डाल के रखा हुआ था कि भाई नॉन एसेंशियल जो रहेंगे वो दुकानें भी बंद रहेगी। तो ये तरीका बहुत बिल्कुल गलत है, क्योंकि इकोनॉमिकल साइकिल को रोकना अपने आप में क्राइम तो नहीं बोल सकते, बट एक अपने आप में इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि अगर इकोनॉमी साइकिल रुकता है किसी चीज, कोई शहर का, कोई स्टेट का, कोई कंट्री का, तो बहुत सारे लोग उस पर इम्पैक्ट होते हैं। और जहां तक हमारा इकोनॉमी साइकिल रोका गया है लॉकडाउन की बदौलत, तो ये आने वाले 30 तारीख तक है वो भी, तो ये बहुत ही मतलब इंसानियत के खिलाफ है। हमको हमारे सीएम से ये रिक्वेस्ट बोलो कि कुछ इस तरह से हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा प्लानिंग वाइज में काम होना चाहिए, ऑड इवन फॉर्मूला यूज करे, या फिर नाइट कर्फ्यू फॉलो करे, दिन में लोगों को छोड़ दिया जाए थोड़ा वक्त के लिए ताकि काम कर सके वो, अपनी चीजें खरीद सके। रिस्ट्रिक्शन लगाने से जहन पे और बोझ बढ़ता है, और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जरूरत है, मतलब खाने पीने की चीजें तो ठीक है जो अवेलेबल है सिटी में वो खरीद लिए, बट जब होलसेलर मार्केट अगर बंद रहेगा तो चीजों के लिए लोगों में अफरा तफरी मचेगी, और वो बहुत नुकसानदेह है। आने वाले 20-25 दिन कोई छोटा मोटा लॉकडाउन का एक्सपेरिमेंट नहीं है, और एक साल पहले हम लोगों ने इस पे काम कर चुके हैं गवर्नमेंट ने, और जब तो उस वक्त वैक्सीन वगैरह भी नहीं थी। अभी गवर्नमेंट के पास वैक्सीन अवेलेबल आ गई, पहले उन लोगों ने 60 प्लस वालों को अलॉट किया था, फिर बाद में उन लोगों ने बोला कि 45 अबाव वालों को लगा सकते हैं, तो क्यों ना 25 से 45 वालों के लिए भी अलॉटमेंट हो। और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना है, तो गवर्नमेंट सेंटर से डिमांड करे कि हमको ज्यादा वैक्सीन अलॉट किया जाए, क्योंकि हमारे उधर बहुत ज्यादा नंबर्स में कोरोना फैल चुका है। तो ये इस तरह के कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट से, जैसे हमारे और भी लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, वो मिलके काम करना चाहिए, स्टेट को बचाना चाहिए, महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम अगेंस्ट में है गवर्नमेंट के, या थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा आपको। हाँ। कि अभी देखिए पिछले दफा जो लॉकडाउन लगा उससे लोग इतना परेशान हो चुके हैं, जो अभी बिजली बिल है, हाउस टैक्स है, वो जमा नहीं हो पाए और इनकी वसूली चालू है। बिल्कुल। अभी जब फिर लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर क्या होगा उन लोगों का अकॉर्डिंग, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये तुम्हारी जैसे कॉमोडिटीज वगैरह, तुम्हारे बेसिक चीजों की बात है, इस पे तो हमेशा से हमने बोला है कि जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट फ्री हुआ है, उस तरह से ये सही वक्त था महाराष्ट्र 200 यूनिट लाइट फ्री करे, ताकि लोगों को इसका फायदा हो और गरीब लोगों पे से बोझ कम हो जाए। वो कम करने की जगह हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने उसके ऊपर कुछ परसेंटेज बढ़ा दिए, ये बोल के कि ये पूरे महाराष्ट्र का रेगुलेशन नया टर्म्स है, फेयर है वगैरह, और 200 यूनिट कम करने की जगह 20% और बढ़ा दिया गया है। उनके वचननामे में लिखा हुआ है कि 30% इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ होगा 300 यूनिट पे। अरे वो भी अगर उन लोगों ने कर दिया होता ना, तो कई लोगों के पैसे, मतलब लोगों पे से बोझ कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन में ना फ्रंट में आके एजुकेशन पे गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, स्कूलों को प्रेशराइज कर रही है। 50% फीस माफ होनी चाहिए। यहां पर कई स्कूलें ऐसी है जो स्टेशनरी और कंप्यूटर फीस उसके नाम पे कई फीसें लेती है, जो लोअर मिडिल क्लास को बेरेबल नहीं है इस सिनेरियो में। एक हेल्थ सेक्टर ऐसा है कि जहां पे भी हमारी गवर्नमेंट काम, मतलब आदमी डरता है कि उसको हॉस्पिटल में जाना है, तो उसको इतना अंदाजा हो जाता है कि 1,50,000 रुपए तो जाना ही जाना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, सीएम को, ये सब चीजें फैक्टर पे अंदाजा रखना। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद अगर लॉकडाउन भी लगा रहे, तो लोग जो खा पी रहे हैं वो भी हालत मुश्किल हो जाएगी। आप या तो फिर लोगों के अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाल दीजिए और 20 दिन का लॉकडाउन दे दीजिए, लोग आराम से रहेंगे, घरों में भी बैठेंगे अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो, या तो घर तक सर्विस डिलीवरी चालू कर दीजिए खाने की, ग्रोसरी की।
मतलब ये कि गरीबों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ चंद लोगों के लिए सोचते हैं कि अभी मान लीजिए यहाँ पे 35 लोगों का शायद सुनने में आया कि इतने दिन से। और हमारी सिटी की खासियत ये है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात ये है कि कोरोना के फर्स्ट वेव में भी हमारी सिटी में बहुत कम केसेस पाए गए थे, सेकेंड वेव में भी एवरेज पर डे हमने देखा है कि 20-25-30 उससे ज्यादा नहीं आते, जबकि माझीवाड़ा और ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स है जहां पर 200-300 के केसेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो खैर उनके लिए भी कोविड सेंटर्स होने चाहिए, यहाँ तो वैसे भी कोविड सेंटर में भी घपले हो रहे, पता नहीं हमें क्या करते हैं गवर्नमेंट के लोग, हमारे ऐसी महामारी के टाइम पे भी ये सब चीजें हो रही है, वो एक अपने आप में शॉकिंग है कि गरीबी से मर रहा है और यहाँ पर चोरी चकारी चमारी सब चालू है, मतलब लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। आप जो है जो और से दो गज दूरी पर होनी चाहिए, मास्क वगैरह ये सब फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया।